हाय दोस्तों, क्रूज़र बाइक बनाने वाली दिग्गज कंपनी अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी हार्ली डेविडसन ने अपने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को लॉन्च किया है। हार्ली डेविडसन ने तेज़ी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार पर पकड़ बनाने के लिए नया ब्रांड लॉन्च किया है। अब कंपनी अपने सभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इसी ब्रांड के तहत लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने एक नए ब्रांड के नाम के साथ में एक नई इलेक्ट्रिक मोटर बाइक का भी नाम रखा है, जो कि 2019 में प्रदर्शित किया गया था। कंपनी लाइव वायर ब्रांड के तहत अपनी पहली मोटरसाइकिल जुलाई में लॉन्च करने की तैयारी में है। हार्ली डेविडसन ने फरवरी में कहा था कि एक अलग इलेक्ट्रिक वाहन केंद्रित डिवीजन बनाएगी। इसके पीछे कंपनी का लक्ष्य नेक्स्ट जनरेशन युवाओं को और पर्यावरण के प्रति जागरूक चालकों को आकर्षित करने का उद्देश्य रखा गया है। कंपनी के सीईओ जोचेन ने बयान में कहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बाजार का नेतृत्व करने और उसे परिभाषित करने के लिए यह चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने लाइव वायर से टेक्नोलॉजी में नयापन लाने और विकसित करने की योजना भी की है। तो इस लाइव वायर मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ी और जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये बाइक जो है आप देख रहे हो वीडियो में, उसमें जो है आपको इसके पावर सिस्टम और चार्जिंग की बात करें तो इसमें जो है 15.5 किलोवाट की रिचार्जेबल बैटरी है, जो कि RESS बैटरी मानी जा रही है। इसमें जो है फास्ट चार्जिंग करने की क्षमता जो है वो 0 से 80% जो है वो 40 मिनट में हो जाती है और 100% जो है वो 60 मिनट्स में हो जाती है। 13 माइल जो है एक आवर की चार्जिंग में ये पार कर लेता है, यानी एक घंटा चार्ज कर लोगे तो 13 किलोमीटर तक ये चल सकता है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 105 हॉर्स पावर देने की क्षमता बताई जा रही है। इसकी अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट की तो इसमें जो है TFT कलर का डिस्प्ले भी दिया गया है और 4.3 इंच का जो है टच स्क्रीन भी दिया गया है। इसमें iOS और एंड्रॉयड डिवाइस भी पेयर कर सकते हैं। इसमें USB Type-C पोर्ट भी दिया हुआ है, साथ ही में ब्लूटूथ और LTE भी कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन में दिया गया है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो $29,000 इसकी जो है प्राइस बताई जा रही है। इंडिया में भी ये आने वाले समय में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने की क्षमता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को जो है भारत में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसमें हार्ली डेविडसन अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च करने का अवसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो उम्मीद है आने वाले समय में हार्ली डेविडसन की तरफ से हमें अच्छी और इलेक्ट्रिक बाइक मिलने देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो